बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीबीपुर गांव में अचानक लगी आग से लगभग 6 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल सका है। आग की चपेट में आने से चिल्लर सुरेश रामफेर हरिंदर आदि के गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। सूचना पाकर मौके पर भीमपुरा एसओ सत्येंद्र राय डायल 100 और क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा मौके का मुआयना किया गया। बलिया से अंजनी राय की रिपोर्ट। प्रधान जी, बीबीपुर ग्राम सभा में आग लगी हुई थी गेहूं के खेत में, कैसे लगी हुई थी कुछ जानकारी? अचानक आग लगी है, कोई देख नहीं पाया है कैसे आग लग गई है। नया बिजली का तार है और अचानक आग लगी है। इसमें 4 लोगों का खेत नुकसान हुआ है। सुरेश यादव जी हैं, हरिंदर प्रजापति हैं, चिल्लर मौर्या हैं और रामफेर प्रजापति हैं। लगभग कितना खेत, कितना फसल जला है? करीब 4 एकड़ के करीब इन लोगों की फसल बर्बाद हुई है। ये बताइए कि क्या गांव यहाँ पे मौके पे कौन कौन आया था अधिकारियों में? अधिकारी वर्ग में 100 नंबर की गाड़ी आई थी, एसओ भीमपुरा थे, पुलिस के लोग थे जी, और क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर पहुँच गए हैं और मीडिया के आप लोग हैं।